Shri Rapi Pashati Nata Vada
Thank you.
Gimara. Gimara. हरिवा कथा करेंगे जल्दी खत्म कर देंगे ना आज स्ट्रॉन्ग आने वाली गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावरणाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिषे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरे प्रिय वृंदाई तुलसी देवी प्रिया ऐ केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवचनी नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरवृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नित्रिलाभ विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री 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 भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्मा नित्रिलाभ विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। अन्य अन्य वैष्णव वैष्णवी सभी को मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। आज हम लोगों का बहुत व्हाट इज योर नेम प्रभु जी? श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास। पत्नी का नाम? मधुरती। हरे कृष्णा हरे बोल। हाँ, आज हम लोगों का बहुत बहुत अच्छा दिन है। श्री श्याम सुंदर प्रभु मधुरती बेटा का नाम वृंदावन दास। सब वृंदावन यहीं आ गए इसलिए आज इनकी घर में हम लोग सबके सब उपस्थित हुए हैं भगवान की कथा सुनने के लिए। इसलिए भगवान की जो कथा है ये बच्चे को कोई गोद में ले लो। कहते जो भगवान की जो कथा है वो बड़ा दुर्लभ है। हाँ, बड़े भाग्य से भगवान की कथा सुनने को जीव को मिलता है। और जो भगवान की जो कथा है वो बहुत मीठा है, बहुत मधुर है भगवान की कथा। इसलिए श्री वल्लभाचार्य कहते हैं बोले आधरंग मधुरंग बादनंग मधुरम हासितंग मधुरम चरितंग मधुरम गामनांग मधुरंग हृदयंग मधुरंग मधुराधिपते राखिलंग मधुराधिपते
तेरा खिलंग माधुर। इसलिए श्री वल्लभाचार्य कहते हैं भगवान की सब चीज मधुर है, उनकी कथा मधुर है, उनकी हृदय मधुर है, उनकी चलना मधुर है, उनकी बोलना मधुर है, उनकी मुखारविंद मधुर है, कृष्ण का सब चीज मधुर मधुर है। इसलिए वेद कहता है भगवान कौन है, कहते रस वैस रसम जवायाम लब्ध्वानंद भवती। भगवान पूरा के पूरा रस है, हैं जैसे रसगुल्ला खाते हैं ना, कौन कौन रसगुल्ला खाए हो, रसगुल्ला खाए हो, हाँ रसगुल्ला कब होता है, रस और गोला, जो गोले को रस में डुबो दो ना हो जाता है रसगुल्ला, गोले को जब रस में डुबाओ रसगुल्ला हो जाता है। कहते क्या भगवान ऐसे ही है, कहते भगवान ऐसे नहीं, कहते भगवान पूरा के पूरा ही भगवान रसी रहे हैं, भगवान पूरा ही भगवान रसी रहसे भगवान। और कहते जो भगवान की जो हर चीज है ना टेढ़ा है, देना कृष्ण तीन जगह में टेढ़े हैं, उनकी बोलनी भी टेढ़ी है, वृंदावन धाम देखना वृंदावन धाम भी टेढ़ा है, जमुना भी टेढ़ी है, कहते कृष्ण का सब चीज टेढ़ा भी है। इसलिए ब्रज में एक भजन है, बोले तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तो टेढ़ो जमुना तेरो टेढ़ी गोकुल तेरो टेढ़ो, टेढ़ी रे टेढ़ी तेरी जसोदा डोकरिया, तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया, तो टेढ़ो तेरी टेढ़ी नजरिया। तेरे भगवान का सब चीज, उनका बोलना भी टेढ़ा है और जब देखते हैं ना उनको देखना भी टेढ़ा है, और वो भी तीन जगह से टेढ़े है, बोले कृष्ण ये नाम भी टेढ़ा है। अब बोलो जब कृष्ण बोलोगे ना, जब तक तो तुम्हारी जीवा तीन बार पलट नहीं जाए तो कृष्ण नाम ही नहीं उच्चारण होता है। जब कृष्ण बोलते हो ध्यान तीन जगह पर, हाँ जो जीवा है तीन बार ये टेढ़ा हो जाती है, तभी कृष्ण नाम तभी उच्चारण होता है। इसलिए कहते भगवान का हर चीज भी टेढ़ा है, कहते कृष्ण टेढ़े क्यों है, कहते कृष्ण क्यों टेढ़े है, बोले कारण है कोई सीधा चीज अंदर में जाए वो निकल करके आ जाएगा, लेकिन कोई टेढ़ा चीज अंदर में चले जाए वो निकलेगा नहीं, हाँ। इसलिए अगर कृष्ण तुम्हारे दिल में बैठ जाए ना, बस फिर दिल से नहीं निकलते हो, हाँ वो पागल और दुनिया को पागल करके घुमाते हैं सब, आप लोग भी सब पागल है सब, हाँ सब। इसलिए कहते हैं कहते कहते कोई धन दौलत के पागल है, कहते कोई पागल है बेटा नारी के, कोई धन में पागल है, कोई पैसा में पागल है, कोई बीवी में पागल है, कोई बेटे में पागल है, कहते ये जितने पागल सब झूठा पागल है, लेकिन असली पागल कौन है, जो पागल है श्री बांके बिहारी के, हाँ असली पागल वही है जो कृष्ण प्रेम में जो पागल है वही पागल है। इसलिए आप लोग सब पागल है, इसलिए हाँ इसलिए पागल तभी तो घर बार छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आ गए हो, हाँ इसलिए सबके सब पागल है। हरे कृष्णा। इसलिए आज हम लोगों का बहुत अच्छा दिन है, श्री श्याम सुंदर प्रभु जी को घर में हम सबके सब भगवान की कथा सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित सबके सब हुए हैं। इसलिए आज हम लोग प्रभुपाद की भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की उनका जीवन चरित्र को सुनेंगे, ठीक है उनका जीवन चरित्र सुनेंगे। कहते श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कहते अगर ये महापुरुष इसी जगत में नहीं आते तो हम लोग जो थोड़ी बहुत भजन करने के लिए कोशिश करते हैं वो नहीं हो पाता, इनकी वजह से हम थोड़ी बहुत अभी भजन साधन करने का हम चेष्टा कर रहे हैं। कहते ये महापुरुष जगत में क्यों आए थे, ये जगत में आने का क्या कारण है, कि जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु जगत में आने का चार कारण है, कितना कारण है, पहला कारण क्या है, बोलो पहला कारण क्या है, कहते उसमें कुछ साधारण कारण है और उसमें कुछ विशेष कारण है, हैं महाप्रभु आने का। अब देखोगे श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी जो जगत में आए
उसका भी चार ही कारण देखने को मिलता है। बोले महाप्रभु जगत में इसलिए जगत में आए, कहते कलिजुग का जो युगधर्म है, हैं कलिजुग युगधर्म क्या है, बोले कलिजुग के बल नाम आधारा, कलिजुग के बल नाम आधारा, सुमेरे सुमेरे नर उतर ही पारा, कलिजुग के बल नाम आधारा। कहते कलिजुग में केवल भगवान एक धर्म रखे, बोले कलिजुग में कोई ज्यादा परिश्रम करने का कोई जरूरत नहीं है, केवल भगवान की नाम ही जप कर लो। बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, जोर से बोलो, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए कलिजुग का युग धर्म हरि नाम, इसलिए कलिजुग में श्री महाप्रभु आए और ये युग धर्म को उन्होंने स्थापन किया। कहते प्रभुपाद क्यों आए, कहते प्रभुपाद भी कलिजुग में इसी हरि नाम को प्रचार करने के लिए आए, हैं प्रचार करने के लिए आए। इसलिए कहते आचार करने के ना करे प्रचार, और प्रचार करने के हो ना करे आचार। जगत में ऐसे दिखाई पड़ता है कोई व्यक्ति तो खूब प्रचार कर रहा है लेकिन अपना जीवन में आचरण नहीं करते, लेकिन कुछ कुछ लोगों को ऐसे दिखाई पड़ता है जीवन में तो खूब आचरण कर रहे हैं लेकिन अपना जीवन में कोई प्रचार नहीं करते। लेकिन कहते आचार प्रचार नामे करह द्वि कार्य, हैं कहते जो आचार्य होते हैं, आचार्य किसको कहते हैं, जो अपना जीवन में स्वयं आचरण करे और आचरण करते हुए जगत में प्रचार और प्रसार करे, कहते वो आचार्य। इसलिए श्री प्रभुपाद का जीवन में भी ये दो चीज देखने को मिलता है। पहला चीज क्या है, कहते भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पर पहले उन्हें तीन तीन लाख हरिनाम करते थे, कितना लाख हरिनाम करते थे, तीन लाख पता है ना कितना, एक लाख में चौसठ माला होता है। अब देखना अगर कोई दिन में सोलह माला करता है सवेरे से लेकर के शाम तक, देखना वो सोलह माला ही पूरी नहीं होती है। सोलह माला जो करते हैं देखना सवेरे से लेकर शाम तक कोशिश करते हैं कैसे हम इस सोलह माला को फिनिश करें, देखना सोलह माला ही खत्म नहीं होता है। और एक लाख कितना, चार बार सोलह, और तीन लाख कितना, सोलह। इसलिए कहते चौसठ माला। बोले दिन में प्रभुपाद तीन लाख हरिनाम करते थे प्रभुपाद। और केवल उन्होंने केवल आचरण नहीं किया और उन्होंने क्या सारा दुनिया में उन्होंने प्रचार भी किया है, दोनों काम किया। एक तो जीवन में आचरण भी किया और जीवन में भी उन्होंने प्रचार भी किया, आचार प्रचार, उन्होंने दो काम को उन्होंने जगत में किया है। दो काम को करते हुए कहते जो जितने अपना जीवन में आचरण जो जितना करता है ना, कहते उसका प्रचार भी उतना बढ़िया होता है, इसलिए प्रभुपाद कहते हैं अगर कोई अपना जीवन में आचरण नहीं करे, केवल प्रचार 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 करे, केवल वो कर्म हो जाता है, उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन जो जितना अच्छे तरह से अपना जीवन में आचरण करे और दुनिया में प्रचार करे ना, कहते उसका प्रचार बहुत बढ़िया होता है। इसलिए प्रभुपाद का इतना प्रचार क्यों सारा दुनिया में हुई है, कारण क्या, बोले कारण है स्वयं अपना जीवन में आचरण करते थे और प्रचार भी करते थे, हैं। इसलिए हमारे श्री भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज, इनका जगत में इतना नाम क्यों हुआ, कारण किया, कहते भी अपना जीवन में आचरण किया और उन्होंने प्रचार किया। इसलिए गुरुदेव भी कहते जब तक चौसठ माला नहीं कर लेते थे ना, सवेरे गुरुदेव सवेरे उठ करके
एकदम सवेरे सवेरे 3:30 बजे उठ जाएंगी। हाँ, उठ करके हाथ धो करके बिस्तर में बैठ करके बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। जोर से बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए गुरुदेव प्रसाद पाने से पहले हैं 1,00,000 पूरी हरि नाम करते थे, फिर और सारा दिन और 1,00,000 हरि नाम करते थे। दिन में गुरुदेव 2-2 लाख गुरुदेव हरि नाम 2-2 लाख हरि नाम करते थे। इसलिए जगत में उनकी इतना प्रचार इतना बढ़िया हुआ, सारा दुनिया में उनकी जय 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 जयकार हुई। इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं केवल साधन भाव और प्रेम, कहते तीन भक्ति के तीन स्टेजेस है, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। कहते जो साधन भक्ति का जो लक्षण दो है, साधन भक्ति की दो उसकी लक्षण है, बोले क्या है, बोले क्लेशग्नि और शुभदा। क्लेशग्नि माने मतलब क्या होता है, जब सही सही हम अपना जीवन में भजन करें, ठीक ठीक से भक्ति करें, हैं ठीक ठीक से भक्ति करें, पहला लक्षण है उसको जितने जीवन का दुख कष्ट है, जीवन का सारे दुख कष्ट उसको नष्ट हो जाता है, हैं। और दूसरा लक्षण क्या है, बोले शुभदा। शुभदा मतलब है सारा दुनिया में उसकी जय जयकार होने लग जाता है, सारा दुनिया उसको पूजा करता है, सारा दुनिया उसको देश में चर्चा होने लग जाती है, हैं, सारा दुनिया उसको पूजा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए प्रभुपाद इस जगत में आ करके उन्होंने पहला काम क्या किया, स्वयं भजन किया, सर्वत्र उन्होंने भगवान की भक्ति को प्रचार और प्रसार किया है। कहते दूसरा काम क्या है, हाँ महाप्रभु इस जगत में आए थे, इसका कारण दूसरा कारण क्या है, बोले दूसरा कारण है कहते अनर्पित चरिंचिरात करुणयावतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसांग स्वभक्ति श्री। इसलिए जगत में महाप्रभु आए थे, कहते हैं जो प्रेम को उन्होंने बड़े दिनों तक नहीं दिया है, हैं, जो ब्रज भक्ति उन्होंने नहीं दिया, राधा रानी के चरण की सेवा, निकुंज की सेवा नहीं दिया, एक बार ब्रह्मा का एक दिन में आ करके कहते ओ ब्रज सेवा, राधा रानी की जो भक्ति, राधा जी की अनुगत्य में जो सेवा उन्होंने, वो ब्रज प्रेम को प्रदान किया है महाप्रभु। उसी तरह प्रभुपाद भी इसी जगत में, प्रभुपाद भी आकर के उन्होंने क्या किया, इन्होंने भी आकर के वही प्रेम को ही देने के लिए प्रभुपाद आए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, ठीक है। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे, बोले रूप गोस्वामी की चरण की एक धूल बनना ही हमारा जीवन का लक्ष्य है, हैं। कहते क्या बननी चाहिए, कहते रूप गोस्वामी चरण की एक धूल, मतलब है रूप गोस्वामी के आनुगत्य में, रूप गोस्वामी जैसे श्री महाप्रभु को, जैसे राधा रानी को सेवा करती है रूप मंजर रूप में, यही हमारा जीवन का एक लक्ष्य है, हैं, केवल यही हमारे जीवन का लक्ष्य है। कहते तो अगर ये लक्ष्य को अगर हमने पूरी कर दिया तो समझना हमारे जीवन हमारी धन्य हो गए। कहते उसी तरह प्रभुपाद भी कहते हैं मैं भी वही चीज को देने के लिए आया था, लेकिन सारा जीवन केवल जंगल काटते 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 हमारा जीवन चला गया। जंगल काटते काटते मतलब क्या है, कहते वो देना तो चाहते थे ब्रज भक्ति, लेकिन पहले तो जैसे कि कोई खेती हो, खेती में कोई बीज जब बोते हैं क्या करते हैं, पहले खेती को साफ सुथरा करते हैं, खेती को पहले उर्वर करते हैं, पहले खेती को साफ सुथरा करते हैं, फिर जा करके हम वहाँ पर बीज को बोते हैं, हैं? ये इधर आ जाओ, बीजों को एक कोई ये दे दो, हरे कृष्णा। इसलिए वो कहते हैं मैंने केवल मैंने साफ जंगल साफ किया, केवल जंगल साफ करना मतलब क्या है, हैं, कहते पहले उनके हृदय को मैंने कोशिश किया, इनका हृदय को कैसे साफ सुथरा करूँ, मैंने इस चीज़ को कोशिश किया। इसलिए
इसलिए भागवत में बताए बोले दूतम पानम स्त्रियम सोना जथा अधर्म चतुर्विधा। कहते ये जो चार चीज है हैं, भगवान की अगर नाम करना पहले क्या करो, कहले पहले परहेज करो। हाँ, परहेज को साथ में अगर दवा लेंगे फिर दवा बहुत बढ़िया काम करता है। अगर बगैर परहेज, परहेज समझते हो, परहेज क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, परहेज को क्या बोलते हैं, नियम। जैसे कोई दवा लो ना, डॉक्टर कहता है देखो मीठा नहीं खाना, खट्टा नहीं खाना, हाँ ये गंदी चीज को नहीं लेना। दवा सही सही लोगे फिर तो तुम्हारी ये दवा काम करेगी। कहते उसी तरह परहेज जिसको कहते हैं, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, हाँ प्रिस्क्रिप्शन। हाँ इसलिए कहते इसको साथ में दवा। उसी तरह कलयुग में दवा क्या है, पहले कलयुग में सबसे मीठी दवा, एकदम सबसे मीठी दवा है क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते ये कलयुग का यह दवा है। लेकिन भैया दवा तो लेंगे, लेकिन ये दवा के लिए तो परहेज चाहिए ना, कुछ तो नियम चाहिए। बोले इसके लिए भागवत में वो चार नियम बताया है, कलयुग में चार नियम लग गया। बोले जुआ नहीं खेलो, किसी तरह का नशीली वस्तु मत लो, पान बीड़ सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटखा है, ये सब चीज़ को मत लिया करो। यहाँ तक चाय भी और कॉफ़ी भी मत लिया करो है, इसलिए प्याज लहसुन मत लिया करो, इसलिए अवैध रूप में स्त्री संग मत करो, और कोई जीव हिंसा मत करो। हाँ जीव हिंसा मतलब मांस मछली अंडा प्याज लहसुन ये चीज़ को मत खाया करो। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं मैं तो देना चाहता हूँ वो दुर्लभ वस्तु, राधा जी की प्रेम, राधा जी की दास्य, लेकिन पहले तो अपना हृदय को साफ सुथरा करे, तभी तो वो प्रेम को देंगे, नहीं तो प्रेम को देंगे कैसे। इसलिए जिस समय श्री प्रभुपाद प्रचार कर रहे थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जिस समय वो प्रचार कर रहे थे, इनके प्रचार को देख करके ना सब लोग घबरा गए। इतने स्ट्रीक इनकी कथा, इतने स्ट्रीक हरि कथा थी है, इसलिए इनके प्रचार को देख करके ना सब लोग डर गए है। लगता था सारे संप्रदाय को खत्म कर देंगे, केवल एक ही संप्रदाय गौड़ीय संप्रदाय रह जाएगा और जगत में कोई संप्रदाय नहीं रह जाएगा। ऐसे ये प्रचार करते थे, कठोर रूप में इनके प्रचार ऐसे था। इसलिए इनके प्रचार से डरते हुए कुछ लोग प्रभुपाद के पास में आए, बोले प्रभुपाद अगर आप केवल दो चीज को छूट दे दो, दो चीज को केवल आप छूट दे दो, फिर सारा दुनिया की जितने सारे संप्रदाय का लोग है ना वो सब के सब आपको पास में आ जाएंगे हैं, सारे लोग तुम्हारे पास में आ जाएंगे। बोले क्या दो चीज को छूट दे दो। कहते पहला नंबर है क्या, क्या कर रहे हो, क्या काम, तो बैठ जाओ, चार संप्रदाय में चलेगा। अगर ये दो चीज को छूट दे दोगे ना और जितने सारे संप्रदाय का लोग है ना सब के सब आपकी संप्रदाय में आ जाएंगे। बोल दो ये तो जो चीज हमारे संप्रदाय में चलेगा। प्रभुपाद बोले नहीं, हमें एक एक चंद्रमा की जरूरत है, हजार ताराओं की हमारी जरूरत नहीं है, हाँ एक चंद्रमा जरूरत है। एक चंद्रमा क्या करता है, पूरा सारा दुनिया को आलोकित तो कर देता है, लेकिन हजार तारों देखना कुछ नहीं कर पाते। इसलिए प्रभुपाद बोलते थे हमारी एक भक्त हो, शुद्ध भक्त हो हैं, एक केवल शुद्ध भक्त हो जाए जगत में। अगर एक शुद्ध भक्त जगत में, अगर जगत में रह जाए ना हैं, एक शुद्ध माँ भागवत अगर जगत में रहेगा तो एक संत ही सारा दुनिया को आलोकित कर देगा। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, एक संत आए देखो सारा दुनिया को पागल बना कर चले गए, सारा दुनिया को भक्त बना दिए, सारा दुनिया भक्त हो गई, एक शुद्ध संत आ गए। इसलिए जगत में जब एक शुद्ध संत जगत में आ जाते हैं ना, कहते उसको त्रिकोटि कुलेर है श्री वैकुंठ वास, उनका 3 करोड़ पूर्वजों का भगवत धाम में निवास हो जाता है। एक अगर शुद्ध साधु जगत में, अगर एक साधु आ गया तो इतने महिमा जगत में, एक साधु जगत में आने का, ऐसे प्रभुपाद ने जगत में प्रचार प्रसार किया है।
इसलिए कहते उनका दूसरा महाप्रभु का जो जगत में आने का दूसरा कारण था वो अनर्पित चरण चिरात प्रेम को ब्रज भक्ति को देने के लिए। कहते उनका जो तीसरा आने का जो तीसरा कारण था चैतन्य महाप्रभु का तीसरा जो कारण था, जब श्री चैतन्य महाप्रभु ये जगत का दुर्दशा को उन्होंने देखा, लोग कैसे बिल्ला बिल्ली की शादी करवाते हैं, कुत्ता कुत्तियों की शादी करवाते हैं, हैं, और जगत में कैसे जगत में लोग हैं देवी को सामने बलि देते हैं, जानवर को काटते हैं, और जो गीता रामायण भागवत पढ़ते हैं वो केवल आपस आपस में तर्क वितर्क करते हैं। इन्होंने इस सब चीज़ को देख करके उन्होंने क्या किया, बोले भैया जब तक श्री महाप्रभु जगत में नहीं आएंगे ना तब तक ये जगत का कल्याण नहीं होगा, अगर मेरे प्रभु स्वयं जगत में आ जाए फिर तो ये जगत का कल्याण कर सकते हैं। कहते उसी तरह श्री भक्ति विनोद ठाकुर हैं, भक्ति विनोद ठाकुर ने जब ये जगत की दुर्दशा को उन्होंने देखा, क्या देखा, जगत में आउल बाउल नेड़ा नेड़ी, समझते हो, नेड़ा नेड़ी सखी भेकी दरवेसाई, मतलब बहुत जगत में अपसंप्रदाय, अपसंप्रदाय मतलब साधु नाम से जगत में कलंक थे, तिलक लगाते थे, गले में कंठी पहनते थे, लेकिन बाबा जी माता जी कपड़ा पहन, कौन सा कपड़ा पहन लेते थे, ऐसे ऐसे कपड़ा पहन लेते थे, गौरी कपड़ा पहनते थे, बोलते थे हम साधु है, लेकिन स्त्री पुरुष एक साथ में रहते थे, बाबा जी और माता जी दल थे, हैं, बाबा जी माता जी दल है, और कुछ कुछ ऐसे संप्रदाय उड़ीसा भारत में ही माछ मछली भी खाते हैं, हैं, माछ मछली खाते हैं, कहते हम तो महाप्रभु की भक्त है, हम महाप्रभु का भक्त है। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने जब उन्होंने इस सब चीज़ों को देखा और जगत में जब सुनते थे ये कौन है, बोले ये सब चैतन्य महाप्रभु का भक्त है। किसका भक्त है, किसके भक्त है, महाप्रभु का। और इसको सुन करके ना लोग नाक सिकुड़ाया करते थे, नाक सिकुड़ाना जानती हो क्या है, बोला, हाँ बोला, इसलिए मतलब नाक सिकुड़ाना मतलब है जिसको देख करके ये लोग घृणा करते थे, बेकार आदमी सब के सब हैं, ये सब के सब बेकार लोग है, हाँ, धर्म का नाम पर महाप्रभु का भक्त का नाम पर जगत में कलंक है, जगत में ये कलंक सबके सब है, इसलिए महाप्रभु का भक्तों का नाम सुन करके। लेकिन जब श्री प्रभुपाद जगत में आए, हैं, प्रभुपाद जगत में आए एकदम उन्होंने ये सब चीज़ को जंगल को उन्होंने काटे, भले ये सब कोई महाप्रभु का भक्त नहीं है। इसलिए महाप्रभु का वही सच्चे भक्त हैं जो जीवन में चार नियमों का पालन करते हैं। कितना नियमों का पालन करते हैं, क्या क्या है, बोलो क्या क्या चार नियम है, बोलो, ये हाँ, हाँ, थैंक यू, हुड सो, इसलिए इसलिए कहते कहते महाप्रभु के वही भक्त है, केवल कंठी तिलक धारण करने से महाप्रभु का भक्त हम नहीं। इसलिए ये चार नियम को हमें जीवन में पालन करनी चाहिए। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने ये जगत की दुर्दशा को उन्होंने देखा, देख करके उन्होंने क्या किया, इन्होंने जगन्नाथ मंदिर में एक बिमला देवी है, जगन्नाथ जी की शक्ति श्री बिमला देवी, तो उन्होंने श्री बिमला देवी को प्रार्थना किया, आप तो श्री जगन्नाथ जी की शक्ति हो, हमें ऐसे एक योग्य पुत्र प्रदान करो जगत में, जैसे महाप्रभु का जो शुद्ध धर्म है, महाप्रभु का जो शुद्ध भक्ति धारा को जगत में ला सके, जगत में प्रचार और प्रसार कर सके। जब उन्होंने बिमला देवी को प्रार्थना किया, कहते बिमला देवी को आशीर्वाद से श्री प्रभुपाद जन्म हुए, इसलिए इनका बचपन का जो नाम रखा बिमला प्रसाद, क्या नाम रखा, बिमला प्रसाद इनका नाम रखा, इसलिए बिमला प्रसाद जब नाम रखे, लेकिन जब प्रभुपाद जन्म हुए ना इनकी शरीर में, इनका माता जी का नाम क्या था, व्हाट इज द नेम ऑफ प्रभुपाद मदर्स, व्हाट इज द नेम मदर्स, हु कैन टेलिंग, कहते इनका माता जी का नाम था भागवती देवी, भागवती देवी थी।
और इनकी पिताजी का नाम था श्री भक्ति विनोद ठाकुर हैं, भक्ति विनोद ठाकुर। तो उन्होंने कहते हैं जब वो जन्म हुए ना, जैसे हम तिलक लगाते हैं ना, उनके शरीर में एक शरीर अंग नहीं, इनको 12 अंगों में तिलक था, जो तिलक दर्शन करते हैं। और गले में जो हम तुलसी कंठी पहनते हैं, हाँ, तीन कंठी पहनते ना गले में तुलसी की माला, इनकी गले में 3 कंठी चिन्ह था। जैसे हम जनेऊ धारण करते हैं, इनके शरीर में जनेऊ का चिन्ह था इनके शरीर में, जब श्री प्रभुपाद जन्म हुए, अद्भुत अद्भुत इनके शरीर में जन्म हुए। इसलिए जब प्रभुपाद थोड़ी सी बड़े हुए ना, जब उन्होंने थोड़ी सी बड़े हुए, एक होता है रुचि परीक्षा। रुचि परीक्षा आपको पता है रुचि परीक्षा क्या होता है? जैसे बच्चा जब केवल घुटन पर चलना सीखता है, घुटन पर चलता है ना, उसको सामने अलग 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 चीज रख लेते हैं और वो बच्चे को छोड़ देते हैं। वो बच्चा धीरे 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 जा करके जो चीज को पकड़ लेता है उससे पता चलता है ये भविष्य में क्या बनेगा है। लेकिन प्रभुपाद को सामने भागवत ग्रंथ भी था, प्रभुपाद अपना गुठर पर चलते चलते गए और उन्होंने भागवत ग्रंथ को उन्होंने आलिंगन, भागवत ग्रंथों का आलिंगन किया। इसलिए श्री भक्ति विनोद ठाकुर समझ गए ये बच्चा बड़ा होकर के जगत में भागवत धर्म को जगत में प्रचार करेगा। बोले श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की, बोले श्री सरस्वती ठाकुर की जय। इसलिए कहते ये ऐसे जब जगन्नाथ जी की रथ यात्रा हुई तो कहते जगन्नाथ जी का रथ पूरी कौन कौन गए हो, कौन कौन पूरी गया? रेज योर हैंड हु इज द वन जगन्नाथ पुरी। बाबा सब पंडित लोग सब गए। हाँ, इसलिए अब जगन्नाथ पुरी में देखना, जगन्नाथ मंदिर से जब थोड़ी दूर जाते हैं ना, वहाँ पर चैतन्य गौड़िया मठ है और वहीं पर प्रभुपाद जन्म हुए। जब जगन्नाथ जी की रथ ले जा रहे थे, रथ वहीं पर 3 दिन तक रुक गया, वो रथ गया नहीं, टस से मस नहीं हुआ। जब 3 दिन को बाद में जब श्री भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद को लेकर के आए और जगन्नाथ जी के चरण को नीचे उन्होंने प्रणाम कराया, जगन्नाथ जी गले में एक जो माला है ना, जिसको कहते अधर माला, कहते वो माला अपने आप टूट करके प्रभुपाद का सर को पर गिरा। पंडे लोगों ने कहा देखो ये जो बेटा है ना, एक दिन बहुत बड़े संत बनने वाले हैं, है? जगत में बहुत बड़ा साधु ये बच्चा बनेगा, बहुत बड़ा साधु बनेगा। उसको बाद में फिर जगन्नाथ जी धीरे 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 चलते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न होता है भैया जगन्नाथ जी 3 दिन तक क्यों रोके, क्यों 3 दिन तक रोके? और भक्ति विनोद ठाकुर प्रभुपाद को लेकर के पहला दिन क्यों नहीं आ गए, 3 दिन बाद में क्यों उन्होंने लेकर के आए, कारण क्या है? तो उसका कारण कहते जगन्नाथ जी कौन है? बोले ये कृष्णा है। लेकिन ये कृष्णा कहते ऊपर भी काले, अंदर में भी काले, दोनों में काले काले हैं। इसलिए कृष्ण क्या बोल कर गए थे, बोले देखो राधे, जब कृष्ण जा रहे थे, बोले कहाँ से जा रहे थे कृष्ण जा रहे थे वृंदावन से द्वारका जा रहे थे। तो उन्होंने देखा जब जा रहे थे कृष्ण, इतने में राधा रानी एकदम रास्ता में लेट हुई है, जिसलिए अभी भी वो ब्रज का गांव है बिजवारी मतलब बिजली जैसे, राधा रानी का जो रंग था बिजली जैसे चमक रही थी, इतने सुंदर थी राधा रानी। इसलिए जब जा रही थी इतने में अभी कृष्ण राधा रानी बोले हे श्याम सुंदर, आप ब्रज छोड़ करके जा रहे हो, मैं रास्ता में लेट हुई, मेरे ऊपर में ये रथ को ले लो, मैं अपना प्राण को त्याग दे दूंगी, लेकिन तुम्हारा विरह को मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। कृष्ण बहुत समझाया, बोले देखो राधे अभी जरूरत, वहाँ पर कंस बड़ा अत्याचार कर रहा है, अभी वहाँ पर राक्षस लोग बड़े उत्पात कर रहे हैं, इसलिए मेरे को जरूरत है। बोले आप कब आओगे? मैं कल आज जा रहा हूँ, कल कंस को उधार करके मार करके मैं परसों आ जाऊँगा। इसलिए ब्रज में एक स्थान है जिसका नाम सी परसो, मतलब कृष्ण जहाँ राधा रानी को बोले तो मैं परसों आ जाऊँगा, हैं, इसलिए सी परसो। इतने में लेकिन कृष्ण गए तो लेकिन आए नहीं,
इसलिए अभी ये जगन्नाथ जी कौन है? बोले वही कृष्णा है, वही जगन्नाथ जी, वही कृष्ण है। इसलिए कृष्णा अभी कहाँ जा रहे हैं? अभी द्वारका से कृष्ण जा रहे हैं वृंदावन जा रहे हैं। हाँ, वृंदावन जा रहे। रथ यात्रा क्या है? राधा रानी अपना हृदय रूपी रथ में कृष्ण को बैठा करके कहाँ ले जा रही हैं? उनको वृंदावन ले जा रही हैं राधा रानी। इसलिए जब जा रही थी वहीं पर जगन्नाथ जी का रथ 3 दिन तक क्यों रुक गया? कारण क्या? बोले प्रभुपाद कौन है? बोले प्रभुपाद राधा रानी की नयन मणि मंजरी, मतलब नयन मतलब आंखें हैं। आंखें का जो पुतला है ना, राधा रानी के आंखें के जो पुतला है, वही पुतला ही श्री प्रभुपाद। उसी दिन सुना रहे थे ना, राधा रानी की आंखों की पुतला मतलब क्या है? राधा रानी ये पुतले से क्या करते हैं? हम पुतला से क्या करते हैं? दर्शन करते हैं। इसलिए राधा रानी कहते प्रभुपाद कौन है? बोले ये राधा जी की आंख की पुतला, जिसको द्वारा उन्होंने कृष्ण के माधुर्य को आस्वादन करती है। कृष्ण माधुर्य को वो आस्वादन करती प्रभुपाद को द्वारा। हाँ, इसलिए हम बोल रहे थे ना, मुनिन्द्र बिंद बंदिते त्रिलोक शोक हारिणी पंकज निकुंज भो विलासिनी ब्रजेन्द्र भानु नंदिनी ब्रजेन्द्र सोन संगति तदा तरी शशिम कृपा कटाक्ष भाजन तदा तरी शशिम कृपा कटाक्ष भाजन। इसलिए कहते ना, हे राधे तुम कौन हो? बोले त्रिलोक शोक हारिणी, बोले 3 लोगों का जो शोक है, बोले 3 लोगों का जो दुख है, जो हरण करने वाली राधा रानी, सारा दुनिया की करुणा कुरुमयी करुणा भरित राधा रानी है। इसलिए राधा रानी कौन है? हम कहते हैं ना, शुभ दृष्टि कर प्रभो जगत कृपा दृष्टि करो। कृपा कैसे करते हैं? शुभ दृष्टि, दृष्टि मतलब आंखों से करते हैं, आंखों से कहते हमको नेत्र को द्वारा हमारे ऊपर में कृपा करो। इसलिए राधा रानी जब किसको पर कृपा करती है? नेत्रों से, लेकिन वो आंखों से, लेकिन वो आंख कौन? बोले प्रभुपाद है। जगत को जो राधा रानी कृपा करती है, करुणा कुरुमयी कृपा करती है, वो आंखों से। इसलिए वो राधा रानी कौन है? एक तरह से वो माँ है। कौन है वो? माँ है। माँ जैसे बच्चों को ऊपर कृपा करती है, उसी तरह प्रभुपाद भी। कहते प्रभुपाद कौन है? राधा रानी की कृपा कटाक्ष है। हाँ, राधा रानी। इसलिए कहते यहाँ पर श्री राधा रानी कृपा कटाक्ष ये पहले दिन क्यों नहीं आ गई? पहले दिन 3 दिन तक जगन्नाथ जी रथ खड़ी रही, 3 दिन तक पहले आ जाती, 3 दिन तो फिर 3 दिन बाद में क्यों आई? इसलिए कहते राधा रानी जो मान करती है ना, मान एक तरह से ये राधा रानी की दृष्टि मान करके बैठी है। हाँ, इसलिए कृष्ण कभी कभी कहते बोले हे राधे, ये गिरिराज को उठाने में मेरे को जितना ताकत नहीं लगता है, जब तू मान करती है ना, पता नहीं तेरे मान को मनाने के लिए मेरे को इतने कष्ट लगता है, इतने कष्ट होता है मेरे को, गिरिराज उठाने के लिए इतना कष्ट नहीं हुआ। मैंने अघासुर बकासुर को मैंने मारा है, अघासुर बकासुर को हमने मारा है, इतना कष्ट हमें नहीं लगा। लेकिन जब तू मान करती है ना, पता नहीं तेरे मान मनाने के लिए कितना कष्ट करना पड़ता है। कभी मान किए हो संसार में? जो शादी किए हो कभी मान किए कि नहीं? कभी कभी कौन कौन मान किए हो? सब लोग किए ना। हाँ, अब देखना जब स्त्रियां मान करती है ना, पतियों को पता होगा कितना उनको मनाने के लिए कितना कष्ट करना पड़ता है। ये पतियों को पता होगा, ये पति लोग सब जानते होंगे। इसलिए कृष्ण कहते तेरे गिरिराज उठाने में इतना कष्ट नहीं लगा मेरे को, अघासुर बकासुर उठाने में, लेकिन तेरे मान को मनाने के लिए जितने मेरे को
कष्ट लगता है। इसलिए यहाँ पर राधा रानी जैसे यहाँ मान की जगन्नाथ जी एक जगह पर क्यों खड़े थे, बोले कारण है यहाँ पर राधा रानी की कृपा कटाक्ष से श्री प्रभुपाद है। और वहाँ पर कमल मंजरी भक्तिमन ठाकुर कमल मंजरी, मंजरियों का काम क्या है, बोले मंजरियों का काम है राधा जी की अनुगत्य में रह करके उनका सेवा करे, राधा जी की अनुगत्य में सेवा करे। ये कमल मंजरी पहला दिन क्यों नहीं ले आई, वो तीन दिन बाद में क्यों आए, बोले तू काले हो वहीं पर बैठे रहो, हाँ तुमने भूल कर गया था ना मैं आज जा रहा हूँ कल मार करके परसों आ जाऊँगा, परसों बोल कर गया कितना दिन हो गया तू, कितना वर्षों बीत गया तू अभी तक तुम नहीं आया। इसलिए राधा रानी यहाँ मानो मान करके बैठी है। इसलिए जब राधा रानी मान करती है ना, श्री रूप गोस्वामी कहते हैं बोले श्याम सुंदर राधा रानी को मनाने के लिए कहते राधा कुंड में तीन बार स्नान करते हैं, तीन बार स्नान करके राधा मंत्र जप करते, राधे मेरे ऊपर आशीर्वाद करो मेरे ऊपर में कृपा करो, हैं इसलिए कहते हैं, हैं इसलिए कहते जत किं करिषु बहुश खलुकाक वाणी नित्यम परस पुरुषस्य शिखंड मौले जस्या कदर अधन इसे वृषभान जाया तत्केल कुंज भवनांग निमार्जन। श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं जब राधा रानी मान करती हैं कह देती है खबरदार आज वो काले को अंदर में घुसने मत दिया करना, हाँ वो काले को मैं देखना नहीं चाहता हूँ। सखियों को बाहर राधा रानी खड़ी कर देती हैं और कृष्ण आकर उनको चरण में बारंबार प्रणाम करते हैं, थोड़ी सी राधा जी को साथ में हमें मिलन करा लो। लेकिन राधा रानी कहती हैं आज मैं कोई काले चीज देखना नहीं चाहता हूँ, जितने काले सब धूर्त है, हाँ सब धूर्त है, सबके सब काले है। इसलिए यहाँ पर कहते हैं इसलिए इसलिए तीन दिन तक राधा रानी वहाँ पर, हाँ इसलिए जगन्नाथ जी तीन दिन तक रहे। बोले क्यों रहे, बोले जब तक राधा जी मेरे ऊपर में कृपा नहीं कर देते हैं, हैं तब तक यहाँ से मैं नहीं जाऊँगा। लेकिन जब यहाँ पर श्री प्रभुपाद को लेकर के आए, चरण में उन्होंने प्रणाम कराया ना, प्रणाम कराते ही जगन्नाथ जी की माला अपने आप टूट कर गिरा। इसका मतलब क्या है, जगन्नाथ जी हैं जगन्नाथ जी खुश हो गए, जगन्नाथ जी खुश हो गए प्रभुपाद गोबर में खुश हो गए। तो उसको बाद में मतलब हाँ राधा रानी का मान टूट गई। अभी जगन्नाथ जी बोले ठीक है मैं चल रहा हूँ, अभी मैं चल रहा हूँ। इसलिए तीन दिन तक खड़े हुए। इसलिए इसी जगत में प्रभुपाद आने का जो तीसरा कारण बताए कि जब श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने उन्होंने प्रार्थना किया विमला देवी को पास में प्रार्थना किया, ऐसे एक योग्य संतान प्रदान करो नहीं जगत में प्रचार प्रसार करे। अगर प्रभुपाद नहीं आते ना, भक्ति विनोद ठाकुर ने जो जैव धर्म ग्रंथ बनाया था ना उसमें दीमक लग जाता। जितने भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत ग्रंथ भक्ति विनोद ठाकुर बनाया, लेकिन अगर प्रभुपाद नहीं आते प्रचार नहीं होता दीमक लग जाता ना, सारे को सारे दीमक लग जाते, दीमक चाट लेता है। इसलिए प्रचार की बहुत जरूरत है। देखो विजय प्रभु ने प्रचार किया है तभी तो आप यहाँ बैठ कर कथा सुन रहे हो ना, अगर ये प्रचार नहीं करते आप यहाँ पर बैठते बताओ। अभी घर में टीवी देखते होंगे, नाती बहू बेटा पोतियों को लेकर के घर में मस्त रहते होंगे, फिर यहाँ फिर क्या यहाँ पर आ करके बैठ करके आप लोग क्या हरि कथा सुनते क्या, क्या कभी सुनते हो, नहीं सुनते हैं। इसलिए उन्होंने प्रचार किया है तब भी। इसलिए श्री प्रहलाद महाराज कह रहे हैं बोले प्रायण देव मुन्नय सभी मुक्त कामा मौन न चरंती परार्थ कामी। ये कह रहे हैं कौन, प्रहलाद कह रहे हैं नारद जी के लिए, कहते भैया जो लोग अकेला बैठे करके भजन करते हैं ना, अकेले बैठे करके भजन करते हैं जो व्यक्ति, कहते वो व्यक्ति स्वार्थी व्यक्ति है, वो केवल अपना कल्याण सोचता है। लेकिन मैं तो श्री नारद जी को हैं, कहते श्री नारद जी को तो मैं जय जयकार करता हूँ। बोले क्यों नारद जी को जय जयकार कर रहे हो, कहते मैं कौन सा कुल में जन्म लिया, बोले राक्षस घर में, मेरी जो जन्म है ना राक्षस घर में मैंने जन्म हुआ है। लेकिन ये राक्षस घर में जन्म होकर के आज मैंने कैसे कृष्ण भक्ति को प्राप्त किया, बोले श्री नारद जी की संग से। जब मैंने माँ के पेट में था है माँ के पेट में रहते समय नारद जी कथा सुनाए, और वो कथा सुनते 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 मेरा मन धीरे धीरे भगवान के चरण में लग गया। इसलिए मैं तो श्री नारद जी को जय जयकार करता हूँ। बोले श्री नारद ऋषि की, जोर से बोलो, बोले श्री नारद बाबा की, हाँ।
कहते मैं तो सिर्फ नारद जी को जय जयकार कर रहा हूँ जिनकी कृपा से आज मैं राक्षस होकर के भी आज जिनकी कृपा से मैं आज भजन करता हूँ। इसलिए देखो, इसलिए जो व्यक्ति हमें प्रचार करके लाए हैं उनकी चरण में हमें ऋणी रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? ऋणी रहनी चाहिए। अगर हम किसी के चरण में ऋणी नहीं रहेंगे ना, हमें गुरुदेव कहते थे अगर तुमको भक्ति के लिए जो तुमको लाए हैं, भक्ति में तुमको जो लाए वो शिक्षा गुरुदेव है, एक तरह का हमारी शिक्षा गुरुदेव है, हैं, जो हमें भगवान की भक्ति में लाए हैं। इसलिए अगर हम उनकी अपने आप को ऋणी नहीं मानते हैं, बोले भगवान भी तुमको ऊपर भी कृपा नहीं करेंगे। ये गुरु जी कहते थे, बोले भगवान भी तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे। क्यों? जिसकी वजह से तुमने भक्ति में आए, हैं, भक्ति में आए, जब तुम उनको ही भूल गया, फिर भगवान तुमको ऊपर क्यों कृपा करेंगे? गुरुदेव कहते भगवान भी तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं करेंगे, भगवान तुम्हारे ऊपर में। इसलिए जो व्यक्ति हमें भगवत राज्य में लाते हैं, भगवत भक्ति में लाते हैं, हर समय हमें उनकी ऋणी माननी चाहिए। ऋणी नहीं मानोगे भगवान भी तुम्हारी, गुरुदेव कहते थे अगर ऋणी नहीं मानोगे तो भगवान भी तुम अपना ऋणी नहीं मानेंगे। इसलिए जो व्यक्ति हमको भजन में लाते हैं उनकी हर समय उनकी आभार प्रकट करनी चाहिए, आपकी वजह से हमने ये भक्ति में आए हैं। इसलिए प्रभुपाद कहते थे एक व्यक्ति को भजन में लगाने के लिए 100 गैलन खून खर्चा करना पड़ता है। 1 गैलन होता है 400 लीटर। कहते 100 गैलन खून खर्चा करना पड़ता है तभी एक व्यक्ति को भजन की बात हम समझा सकते हैं, इतने से समझा सकते हैं। इतना आसानी नहीं, एकनिष्ठ कृष्ण भक्त होना इतने आसानी चीज नहीं है। कितने परिश्रम करना पड़ता है, जो किए हैं, जैसे विजय सेमिनार देता है, दिन में 3-3, 4-4 घंटा लोगों को समझाना पड़ता है, फिर प्रश्न क्वेश्चन आंसर करते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर देना पड़ता है। केवल इतना नहीं, फिर उनको खाने के लिए भी व्यवस्था करना पड़ता है। जैसे हमारे दीदी लोग रसोई बनाते हैं, प्रसाद बनाते हैं, इसलिए कितने एक व्यक्ति को पीछे आप लोगों देखे होंगे कि तीनों एक व्यक्ति को पीछे एनर्जी खर्चा करना पड़ता है, उसके सुख में सुखी, दुख में दुखी, कितने एनर्जी खर्चा करना पड़ता है एक व्यक्ति को भजन में लाने के लिए, आपको पता होगा ना। अगर वो व्यक्ति को भक्ति में लाने के बाद अगर उसको माने ही नहीं, हम तेरे को मानते नहीं, तो भगवान हमें कभी मानेंगे? बताओ, भगवान कभी हमें मानेंगे? धक्का मार देंगे भगवान, तुम्हें लात मार देंगे, बोले तुम हमारे साथ में कोई मतलब नहीं। इसलिए कहते भक्ति जगत में सबसे बड़ी चीज ऋणी, जो ऋणी गुरुदेव कहते, जो ऋणी नहीं मानते हैं उसका भक्ति भक्ति कुछ नहीं है, जीरो है, भक्ति का नाम पर जीरो है। इसलिए हमें हर समय हर व्यक्ति की ऋणी रहनी चाहिए। जैसे कि बच्चा है, माँ बच्चे को 9 महीना गर्भ में धारण करती है, माँ को पता होगा कितना कष्ट, फिर प्रसव पीड़ा सहन करती है, रात भर बच्चा रोता है, मैया गिली में सो करके बच्चे को सूखे में सुलाती हैं, मुंह की खाना निकाल करके बच्चे को खिलाती हैं, वही बच्चा जब बड़ा होकर के बोलते पिता माता को नहीं मानते, बेकार तुम। अब बताओ पिता माता खुश होएंगे ना दुखी होएंगे? बताओ दुखी होंगे ना खुश होंगे? दुखी होंगे ना। इसलिए जिसने हमें भक्ति में लाए, भजन की बात हमें सिखाया, अगर थोड़ी बड़े होने के बाद उनको ही नहीं मानना शुरू कर दिया, हम तेरे को मानते नहीं, बताओ भगवान क्या खुश होएंगे उसमें? बताओ खुश होंगे ना दुखी होंगे? दुखी होंगे ना। इसलिए हर समय क्या करनी, हमें ऋणी हर समय मानो, हमें हर समय ऋणी माननी चाहिए, गुरु वैष्णव की ऋणी माननी चाहिए। प्रभुपाद ये बात को कहते हैं। इसलिए यहाँ पर श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रार्थना की तो जगन्नाथ जी के पास में, फिर तो उन्होंने जगत में क्या हुआ, इसलिए प्रभुपाद जगत में आए, और प्रभुपाद जगत में आकर के उन्होंने जगत में प्रचार और उन्होंने जगत में प्रसार किया। कहते ये तीसरा कारण है प्रभुपाद जगत में क्यों आए। बोले चौथा कारण बताते हैं क्यों महाप्रभु जगत में आए थे। बोले राधा या प्रणय प्रणय महिमा की दृश्यम, कहते राधा रानी की प्रेम की महिमा को, क्या है राधा जी की प्रेम की महिमा, ये चीज आस्वादन करने के लिए। कृष्ण ने देखा मैं राधा जी को देखकर खुश होता हूँ, राधा मेरे को देखकर खुश होती है, लेकिन राधा रानी के अंदर में जो प्रेम वैचित्र था, हैं,
राधा जी के अंदर में जो अद्भुत अद्भुत दिव्य प्रेम प्रकट होता है, हाँ, इसलिए मुझे जितना आनंद मिलता है मुझसे राधा रानी को कहते करोड़ों गुण ज्यादा आनंद मिलता है। कितना गुण मिलता है? करोड़ों गुण आनंद मिलता है। कृष्ण ने देखा जरूर ये राधा रानी के प्रेम में कुछ है, कुछ है राधा जी के प्रेम में, हैं? मेरे को जो आनंद नहीं उससे ज्यादा आनंद राधा रानी को। इसलिए इसी जगत में कृष्ण ने क्या किया, राधा जी की भाव अंग कांति लेकर इसी जगत में आए। कहते उसी तरह प्रभुपाद भी ये जगत में, प्रभुपाद क्यों आए हैं, हैं? कहते प्रभुपाद जगत में किस लिए आए, प्रभुपाद जगत में इसका भी एक कारण है। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते हैं प्रभुपाद दो तरह से हैं, कहते एक साधारण व्यक्ति को पास में उनकी स्वरूप प्रकाशित हुआ है, और एक जो भगवान महाप्रभु श्री प्रभुपाद का जो अंतरंग भक्त है उनको पास में एक स्वरूप प्रकट हुआ है। बोले साधारण लोग प्रभुपाद को क्या समझे, हैं? प्रभुपाद को क्या समझते थे? कितना नाम एवं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। कहते साधारण व्यक्ति समझते थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ये दूसरे सरस्वती है। सरस्वती जानते हैं बाघ देवी, हाँ, वाणी की अधिष्ठात्री देवी कहती श्री सरस्वती है। प्रभुपाद इतने विद्वान थे प्रभुपाद, हैं? इतने विद्वान थे। कभी एक प्रिंसिपल था, हाँ, जो ज्योतिष विभाग के प्रिंसिपल था। कभी प्रभुपाद उनको साथ में कभी शास्त्रार्थ कर रहे थे, हाँ, करते 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 कुछ ज्योतिष विषय को लेकर के प्रभुपाद ऐसे ऐसे प्रभुपाद ने विचार दिया ना, प्रभुपाद का विचार को सुन करके वो व्यक्ति चेयर में बैठा हुआ था और चेयर में बैठे बैठे करके ना वहीं पर पायखाना पेशाब कर दिया, हाँ, वो पेशाब पायखाना वहीं पर कर दिया प्रभुपाद के विचार को सुन करके। वो इतने व्यक्ति प्रसन्न हो गया, प्रभावित तो हुआ, बोले प्रभुपाद ये जो प्रिंसिपल का जो कुर्सी है, प्रिंसिपल का जो सीट है, आप इसमें बैठने का लायक, आप इस आसन को आप ग्रहण करो। प्रभुपाद ने कहा देखो हमने इसी जगत में ईंट पत्थर और ताराओं को मैंने गिरने के लिए नहीं आया हूँ, हैं? ये ताराओं को ईंट पत्थर को गिरने के लिए नहीं आया, मैं तो महाप्रभु का द्वारा प्रेरित होकर के महाप्रभु का वाणी को मैंने गोलोक वृंदावन से महाप्रभु का वाणी को जगत में देने के लिए, मैं एक पियन हूँ, हैं? मैं एक पियन हूँ, पियन समझती है ना, हाँ, इसलिए मैं पियन हूँ जगत में, केवल महाप्रभु का वाणी को जगत से गोलोक वृंदावन से लेकर के आया हूँ जगत में प्रचार प्रसार करने के लिए। भैया हम ईंट पत्थर तारा गिरने नहीं आया हूँ, हाँ, ईंट पत्थर तारा गिरने नहीं आया हूँ। इसलिए उसी समय में बोले देखो प्रभुपाद आप इसी जगत में जब तक आप रहोगे जो कुर्सी है ना, ये जो सिंहासन है आपके लिए ये खाली रहेगा, आपके लिए ये खाली रहेगा, उसमें और कोई नहीं बैठेंगे। इसलिए जब तक प्रभुपाद रहे तब तक वो जो आसन प्रभुपाद के लिए खाली रखा गया, बोले इसमें केवल बैठ सकते तो केवल प्रभुपाद ही इसमें बैठ सकता और कोई नहीं बैठ सकते, मतलब इतने बड़े विद्वान प्रभुपाद थे। इसलिए इनको भक्ति सिद्धांत के फिलोसफी के इनको दूसरे बाघ देवी सरस्वती, दूसरे सरस्वती इनको मानी गई। इतने प्रभुपाद इतने विद्वान थे। एक बार प्रभुपाद अंग्रेजी में वक्तृता दिए, एक पत्रकार था जो न्यूज़पेपर निकालते हैं ना, पत्रकार था, जब प्रभुपाद का जब अंग्रेजी सुना, जब हरिकथा सुना कथा के बाद में, उनने खूब ताली बजाए। तब प्रभुपाद ने पूछा भैया तुमने ताली क्यों बजाए, तुम्हारे समझ में क्या आया तुमने ताली बजाए, देखो क्या कहता है। बोले मैं अंग्रेजी हूँ और न्यूज़पेपर को मैं प्रकाशन करने वाले, लेकिन पता नहीं आप कौन सा जगत के अंग्रेजी बोल रहे थे, मेरे पल्ले में नहीं पड़ा, मैं भी नहीं समझ पाया हूँ। कहते मैं नहीं समझ पाया हूँ इसलिए मैं ताली बजाया। इसलिए प्रभुपाद का जो भाषा है ना, इतना ऊंची ऊंची प्रभुपाद की भाषा, वो गोलोक वृंदावन के लैंग्वेज था, हाँ, गोलोक वृंदावन के भाषा है प्रभुपाद के। कहते साधारण व्यक्ति को पास में प्रभुपाद सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी रूप में प्रकाशित हुए, लेकिन उनका जो अंतरंग जन थे, हैं? उनका जो निज जन थे, कहते उनको पास में प्रभुपाद, उनको प्रभुपाद को वो लोग क्या समझे। इसलिए कहते हैं ना
वृषभानो सुता तानो चरम चरणाश्रितये नोध रस्तम महदाद्भुत पावन शक्ति पद प्रभुपाद का जो अंतरंग थे उनका जो विज्ञ भक्त वो क्या समझते थे, कहते राधा रानी की वृषभानुसुता दयितानुचरण, श्री वृषभानुसुता राधा रानी की ये अत्यंत प्रिय दासी है। इसलिए किसकी दासी, श्री वृषभानुसुता राधा रानी की ये प्रिय दासी है। ये अंतरंग भक्तों के पास में इसी रूप में प्रभुपाद को दर्शन किया है। इसलिए जगत में जैसे देखते हैं, इसी जगत में जो प्रभुपाद आए ना, वो भी ये चार कारणों को, श्री प्रभुपाद भी इसी चार कारणों को लेकर के प्रभुपाद भी आए हैं। इसलिए कहते इसी जगत में कहते सकल साधन श्रेष्ठ यही पंच अंग कृष्ण प्रेम उपज जहार अल्पसंग। श्री रूप गोस्वामी कहते हैं विशेष करके जो पांच तरह का जो भक्ति है, हैं कहते अगर ये पांच तरह का भक्ति में एक भक्ति का अंग अगर थोड़ी सी श्रद्धा पूर्वक कोई साधन कर ले, केवल एक भक्ति का अंग साधन कर ले, उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। कृष्ण कहते पांच तरह का भक्ति का अंग किया गया है। अगर कहते अगर पूर्ण रूप में अगर कोई जीव को ये सौभाग्य प्रदान किया, किसने अगर ये जीव को ये पांच भक्ति साधन करने का सौभाग्य किसने प्राप्त की, हमें सुजोग दिया, बोले प्रभुपाद है। बताओ क्या क्या पांचों में एक एक कर बताओ, कौन कौन बोलेगा, बोलो बोलो। हाँ वाणी तो भागवत श्रवण, इसलिए कहते पहला नंबर भागवत श्रवण है। कहते सारे गौड़ी मठ में देखो वहां पर क्या होता है, बोले पठंती बसंत जत्र छात्रा, जहाँ पर पारमार्थिक छात्र स्टूडेंट क्या करते हैं नित्यम भागवत सेवाया मंदिर में क्या होता है। इसलिए प्रभुपाद ने 64 मंदिर को उन्होंने स्थापन किया, कितने 64 गौड़ीय मठ उन्होंने स्थापन किया। कहते भक्ति का अंग 64 भक्ति का अंग, इसलिए प्रभुपाद भी उन्होंने अलग 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 जगह पर उन्होंने 64 मंदिर उन्होंने स्थापन किया है। हर मंदिर में क्या होता है नित्यम भागवत सेवया, यहाँ पर नित्य भागवत सेवा होता है हर समय मंदिर में। भागवत जो कथा सुन रही ये भी भागवत कथा है, ये भी भागवत कथा है। इसलिए यदि पहला नंबर है भागवत सेवा, दूसरा नंबर सेकंड बोलो हु कैन स्पीक फिफ्थ लिप्स ऑफ भक्ति वाणी द भागवत श्रवण, बताओ दूसरा आपको कौन बोलेगा, हु कैन स्पीक व्हाट इज द सेकंड लिप्स ऑफ भक्ति, मथुरावास। हाँ मथुरावास, इसके लिए ताली बजा। दूसरा आखिर है कहते मथुरावास ब्रजवास। इसलिए प्रभुपाद ने क्या किया, उन्होंने वृंदावन में वहां पर गौड़ीय मठ को स्थापन किया, जगन्नाथपुरी में नीलाचल उन्होंने नीलाचल मठ को उन्होंने स्थापन किया, पुरुषोत्तम मठ को स्थापन किया है। कहते नवद्वीप में वहां पर चैतन्य मठ को स्थापन किया। इसलिए उन्होंने अलग अलग धाम में प्रभुपाद ने 64 मठ उन्होंने स्थापन किया है। इसलिए बोले क्यों, जीवों को मथुरा में, मथुरा मतलब धाम, वृंदावन धाम, पुरी धाम, नवद्वीप धाम में जीवों को बैठने का रहने का उनको सुजग प्राप्त हो है। इसलिए अभी जैसे आप लोग मायापुर जाओगे है, अभी नवद्वीप कौन कौन नवद्वीप जा रहे हैं, कुछ कुछ भक्त लोग नवद्वीप जा रहे हैं और कुछ लोग जाएंगे जगन्नाथपुरी जाएंगे, वृंदावन जाएंगे है, वृंदावन जाएंगे। कहते सुजग किसने दिया है, बोले प्रभुपाद ने दिया। इसलिए प्रभुपाद नवद्वीप धाम परिक्रमा उन्होंने प्रारंभ कराया, नवद्वीप धाम की परिक्रमा, और परिक्रमा करते 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 इतने विशाल रूप धारण किया। आप लोग तो देखे होंगे हमारे मंदिर से कितना लोग जाते हैं, दूसरे दूसरे मंदिर से भी अब देखा ना परिक्रमा परिक्रमा जा रहे, जब दो परिक्रमा टकराव हो जाता है ना वहां पर बाढ़ आ जाती है। इतने इतने लोग दोनों जो परिक्रमा
एक समय नवद्वीप में वो जो मंदिर महाप्रभु का जन्म स्थान में दोनों इस्कोन का परिक्रमा आ रहा था, हमारी परिक्रमा, मैं तो ऐसे फंस गया, मैं सोच रहा था मैं मर जाऊंगा यहीं पर, इतने जोर से मैं फंस गया, वहां कोई साइकिल खड़ी थी, इतने मैं तो किसी तरह से वहां से भागा वहां से, किसी तरह से वहां से मैंने प्राण को लेकर वहां से भगा गया वहां से, और इतने लोग परिक्रमा में होते हैं, लेकिन ये परिक्रमा किसने शुरू कराया था? पहले श्रीमान चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम नवद्वीप से नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, श्रीवास पंडित, गदाधर, सब इनको लेकर के उन्होंने धाम में, सब धाम में कीर्तन करते हुए बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, लेकिन करते करते उसको बाद में धीरे धीरे बंद हो गया, उसके बाद में नित्यानंद प्रभु, जीव गोस्वामी फिर लेकर थोड़ी दो चार व्यक्ति को किया, उसके बाद में फिर इसने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने प्रारंभ किया, फिर प्रभुपाद ने प्रारंभ किया, लेकिन सबसे ज्यादा भक्त लास्ट में किसको साथ में परिक्रमा किया बता सकते हो? ये परिक्रमा बढ़ते बढ़ते आया, लेकिन पूरा सारा दुनिया में सबसे ज्यादा भक्त किसको साथ में परिक्रमा किया, कौन बोलेगा? हाथ उठाओ, कहते श्रील भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज ने किया है। बोलो भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज की। इसलिए जब हमारे गुरुदेव हैं, जब उन्होंने देवानंद गौड़ी मठ से फिर अलग हो करके फिर उन्होंने जब किया, लोग सोच रहे थे भैया लोग कहाँ से परिक्रमा में आएंगे, लेकिन जब हमारे गुरुदेव सबसे पहले किया ना, इतने लोग परिक्रमा में हुए हैं। उसमें टेंट टूट गया था, तुम लोग थे उस समय, इसलिए टेंट टूट गया था, लेकिन तब भी इतने लोग आए परिक्रमा में देश विदेश। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर का भविष्यवाणी था, क्या भविष्यवाणी? एक दिन ऐसे आएगा काले और गोरे लोग एक साथ में मिल करके निताई गौर प्रेमानंदे हरी हरी बोल।
बोले काले गोरे मिल करके हैं एक साथ में हरि बोल करते हुए परिक्रमा करेंगे। सचमुच से जब हमारे महाराज ने परिक्रमा किया ना, इतने लोग अभी भी हैं, अभी भी देखो कि नवद्वीप परिक्रमा में अगर किसकी परिक्रमा में सबसे ज्यादा लोग होते हैं, हमारी परिक्रमा में सबसे ज्यादा लोग हमारी परिक्रमा में होते हैं, हैं? इसलिए हमारे श्री महाराज की बड़ी महिमा है महाराज की। इसलिए कहते श्री श्री प्रभुपाद जी कहते भागवत से श्रवण और मथुरावास दो हो गया, और तीसरा थार कौन बोलेगा बोलो, साधु संग। हाँ, इनके लिए भी ताली बजाओ, साधु संग। इसलिए कहते साधु संग, इसलिए आप देखना हर गौड़ी मठ में साधु संग ही है, हैं? साधु संग सब जगह में हरि कथा कीर्तन भजन है, हैं? इसलिए साधु संग यहाँ पर भी क्या हो रही है, साधु संग ही हो रही है। यहाँ पर साधुओं को संग में हरि कथा सुन रहे, हरि कथा कर रहे हैं। इसलिए अगर साधु संग का अगर किसी ने हमें जीवन में प्रदान किया है भक्त प्रभुपाद, चौथा क्या है, क्या बोले, कौन बोलेगा, नाम संकीर्तन है, चौथा नाम संकीर्तन। इसलिए देखो अभी नाम संकीर्तन कर ही रहे थे, अभी नाम संकीर्तन कर रहे थे ना, और सबके सब माला में हरिनाम जप करते हैं, नाम संकीर्तन किसने, किसकी कृपा से, बोले श्रील प्रभुपाद की कृपा से, यही महापुरुष की कृपा से। इसलिए महापुरुष का जो भविष्यवाणी था, हाँ महापुरुष का क्या भविष्यवाणी था, बोले पृथ्वी ते आछे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हरि मर नाम, ये महापुरुष का भविष्यवाणी। एक दिन ऐसे आएगा संपूर्ण पृथ्वी में गली गली में शहर शहर में मेरे नाम गूंज उठेगा, मेरे नाम गूंज उठेगा मेरा नाम, ये महापुरुष का वाणी है, हैं? ये महापुरुष का वाणी है, इसलिए सर्वत्र ये नाम संकीर्तन होगा। इसलिए देखो किसकी कृपा से, इसलिए हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज कहते थे भैया ये प्रभुपाद ने जो काम किया है ना, दुनिया में इतने बड़े काम किसने नहीं किया। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जो काम किया, दुनिया में इतने बड़े काम किसने नहीं किया। अगर संपूर्ण विश्व में प्रभुपाद तो किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, और उन्होंने अपना चेलों को भेज करके अपना शिष्यों को सर्वत्र उन्होंने भेजा, भेज करके उन्होंने प्रचार और उन्होंने प्रसार किया, ये प्रभुपाद ने किया सब काम को। इसलिए और एक रह गया, कौन बोलेगा, चार हो गया, हाँ हाँ श्रीमूर्ति श्रद्धा, इस बच्चे के लिए भी ताली बजाओ। इसलिए कहते श्रीमूर्ति श्रद्धा है सेवन, श्रद्धा पूर्वक श्री मूर्ति की सेवा करना। इसलिए देखो प्रभुपाद ने 64 मठ स्थापन किया, केवल इतना नहीं प्रभुपाद ने किया, उसको बाद में उन्होंने हर अपना जो गृहस्थ भक्त थे उनको घर घर में भी उन्होंने ठाकुर जी को, उनके घर घर में भी उन्होंने ये ठाकुर जी को स्थापन किया। बोले किसकी कृपा है, कहते चलो प्रभुपाद का कृपा है, ये इसलिए प्रभुपाद का कृपा है। इसलिए प्रभुपाद आए तभी हम यहाँ पर बैठ कर कीर्तन हरि कथा बोल रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद का जो जगत में जो देन है ना, हम इसकी ऋणी कभी उतार नहीं सकते हैं, कभी उनकी ऋणी नहीं हम उतार सकते हैं। इसलिए हम सबके सब अलग अलग जगह के, ये अलग जगह की, ये अलग जगह, सब अलग अलग कहाँ कहाँ से, लेकिन आज हम सबके सब एकत्रित होकर के यहाँ पर जो हरि कीर्तन हरि नाम कथा सुन रहे, किसका कृपा, श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का ही ये कृपा है, कारण है। इतने दयालु कैसे बन गए, हैं? इसके दयालु कैसे बन गए, कारण है ये राधा रानी के नयन मणि मंजरी, राधा रानी की कृपा है, हाँ राधा रानी जगत की माँ है, माँ कभी बच्चों को कष्ट नहीं दे सकती है, इसलिए इनकी कृपा से ही हम थोड़ी बहुत भजन कर रहे हैं। इसलिए कहते प्रभुपाद ने, हैं कहते प्रभुपाद की महाप्रभु ने जो गोस्वामियों को चार आदेश दिया था, कितना आदेश दिया था, क्या क्या बोल सकते हो, क्या क्या चार आदेश दिया था, हाँ हाँ एस्टैब्लिश डेटी देन, हाँ ये हाँ ओके थैंक यू होट सो सो, ये लड़की सब लिखती है ना, इसलिए ये काफी में सब लिखती है, इसलिए सारे प्रश्न का उत्तर दे देती है, अच्छी बहुत अच्छी बात है। इसलिए कहते महाप्रभु ने जो चार, जो गोस्वामी को जो चार आदेश दिया था प्रभुपाद ने,
ये संपूर्ण रूप में ये चार आदेश को उन्होंने पालन किया। पहला नंबर है लुप्त तीर्थों को उद्धार करना। इसलिए प्रभुपाद ने कौन सा लुप्त तीर्थों को उद्धार किया, कहते महाप्रभु का जो लीला स्थली था, हाँ महाप्रभु ने जहाँ जहाँ उन्होंने लीला की थी वो लीला स्थलियों को उन्होंने उद्धार किया है। हाँ जैसे देखो चंपाघाटी, जो नवद्वीप धाम जाते हो, चंपाघाटी गए कि नहीं, ये पहले महाप्रभु का गौर गदाधर, उसको उन्होंने प्रभुपाद ने गौड़ी मठ बनाए। फिर उन्होंने हम लोग जाते हैं मोदोद्रुम द्वीप, जहाँ पर राम लक्ष्मण सीता जहाँ वनवास करते करते जहाँ पर आए थे, जहाँ पर भगवान राम बैठ करके मुस्कुरा रहे थे, इतने में सीता देवी ने बोले प्रभु आप मुस्कुरा क्यों रहे हो, बोले देखो सीते मैं जब कलयुग आएगा ना उस समय तू मेरी विष्णुप्रिया बन करके आओगी और मैं 26 साल उम्र में तेरे को छोड़कर मैं संन्यास लूँगा, सब छोड़ करके दुनिया को रुला करके हैं सारा मैं स्वयं रहूँगा और दुनिया को रुलाऊँगा, मैं संन्यास ग्रहण करूँगा। फिर सीता देवी प्रश्न करती बोले प्रभु फिर आप शादी क्यों फिर करोगे, जब संन्यास लेना फिर शादी क्यों करेंगे और शादी करके फिर पत्नी को रुला करके क्यों जाओगे। फिर उन्हें समझाए प्रेम का दो पहलू है, एक विरह है और एक मिलन है। मिलन में क्या होता है, सामने सामने मिलते हैं लेकिन अंदर से खोते हैं। लेकिन विरह से क्या होता है, ऊपर से तो हम दूर होते हैं लेकिन हृदय से मिलते हैं। जैसे पति अगर दूर देश में रहता है, साल में 2 साल 5 साल में आता है ना, पत्नी देखना दिन भर उसकी चिंता करती रहती है, दिन भर कब आएंगे, लेटर नहीं आया, आए नहीं अभी। लेकिन अगर घर में रहते हैं ना, पति अगर बोलता है एक गिलास पानी दे दो, बोले उठा कर पी नहीं सकते, पी लो उठा कर उठा करके, इसलिए। लेकिन जो दूर में रहता है ना, और हृदय से कहते चिंतन, चिंतन से पूरा के पूरा चिंतन से उसमें डूब करके रहते हैं। इसलिए उन्होंने विरह में क्या स्थिति है विरह की, उन्होंने विरह की उन्होंने वर्णना किया है, इसलिए उसको उन्होंने स्थापन किया। और श्री चैतन्य महाप्रभु, हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जन्मस्थान, उन्होंने जन्मस्थान को प्रकाशित किया। जगन्नाथ श्री राय रामानंद प्रभु का जो मिलन स्थान प्रभुपाद, वहाँ पर गौड़ीय मठ बनाया। श्री जगन्नाथपुरी में जहाँ चटक पर्वत है, हैं वहाँ पर उन्होंने पुरुषोत्तम मठ को उन्होंने वहाँ स्थापन किया। इसलिए महाप्रभु का जितने लीला स्थलियों को उन्होंने प्रकाशित किया। दूसरा है ग्रंथ प्रकाश। ग्रंथ प्रकाश में प्रभुपाद ने, हैं प्रभुपाद ने जैसे चैतन्य चरितामृत का अनुभव से लिखा, प्रभुपाद का बहुत सारे लेक्चर है, प्रभुपाद का बहुत सारे लेक्चर है। अब प्रभुपाद ने जो ग्रंथ धीरे 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 प्रकाशित हो रहा था, प्रभुपाद ने सारे चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत, शिक्षा मन शिक्षा जैव धर्म, अनंत ग्रंथों को प्रभुपाद ने, अनंत ग्रंथों को उन्होंने प्रकाशित किया। अभी कितना टाइम हो गया, अभी 5 बजा है, हाँ कितने बजे खत्म करेंगे आज, फाइव 30, हाँ और 15 मिनट बोलेंगे, ठीक हरे कृष्णा। इसलिए हाँ इसलिए प्रभु आज सुन लो, जितने प्रभुपाद की कथा सुन लोगे, इसलिए इन्होंने प्रभुपाद ने हाँ अनंत ग्रंथों को प्रकाशित किया। इसलिए ग्रंथों को कहते बृहत मृदंग है, हाँ ग्रंथ प्रकाशित नहीं होता तो हम आज थोड़ी यहाँ बैठ कर कथा सुनते, ग्रंथ प्रकाशित किया तभी तो इतना दूर तो ग्रंथ आया, इसलिए इसको कहते बृहत मृदंग है, हाँ बृहत मृदंग है, हाँ ये बड़ा मृदंग है, जहाँ पर पहुँच जाएगा ये ग्रंथ बस, जो व्यक्ति ये ग्रंथ को पढ़ लिया उनको उद्धार हो जाएगा। इसलिए कहती उन्होंने ग्रंथ प्रकाशित किया है, और उन्होंने विशेष करके राग मार्ग को उन्होंने हाँ उन्होंने आगे धर्म बढ़ाया, राग मार्ग को उन्होंने जगत में प्रचार किया। राधा रानी की कैसे हम सेवा कर सकते हैं, हाँ राधा रानी की कैसे हम सेवा कर सकते हैं, इसी चीज को उन्होंने प्रकाशित किया है। इसलिए कहते प्रभुपाद ने कहते एक विशेष चीज को स्थापन किया, बोले क्या विशेष चीज को प्रभुपाद ने स्थापन किया है, कहते उन्होंने एक दैव वर्णाश्रम को स्थापन किया। पता है दैव वर्णाश्रम क्या होता है, पता है दैव वर्णाश्रम क्या, बता सकते हो, हाँ देखो देखो इस चीज को अच्छी तरह से समझ लो, हाँ ये प्रभुपाद ने दैव वर्णाश्रम को क्या स्थापन किया है। प्रभुपाद से पहले क्या होता था, कहते जो ब्राह्मण है ना
ठाकुर को जो सेवा पूजा केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं। ब्राह्मण तभी कर सकते तब ब्राह्मण कुल में जन्म लेने पर नहीं, जब तक इनको जनेऊ संस्कार नहीं होती थी तब तक वो ठाकुर का सेवा पूजा कोई नहीं करते थे। जिसको जनेऊ संस्कार ब्राह्मण कुल में होगा केवल वही व्यक्ति ही ये चीज को कर सकता है और कोई नहीं कर सकता है। लेकिन जो प्रभुपाद आए उनने दैव वर्णाश्रम स्थापन किया। हाँ, दैव वर्णाश्रम मतलब होता है एक समय ब्राह्मण और वैष्णव में लड़ाई हुई, युद्ध हुआ। लड़ाई मतलब तर्क वितर्क हुआ, ब्राह्मण बड़े ना वैष्णव बड़ा। अब समझ रहे हो, वैष्णव साधु बड़ा ना ब्राह्मण बड़ा है। पहले ब्राह्मण का बड़ा ताकत होता था उधर भारत में, ब्राह्मण हम ब्राह्मण कुल में है, हाँ बड़े उनका अभिमान रहता था। चार वर्ण में सर्वश्रेष्ठ वर्ण ये ब्राह्मण, हम ब्राह्मण घर में जन्म हुए हैं इसलिए वर्ण में ये गुरु ब्राह्मण है। एक समय इनके अंदर में बड़े शास्त्रार्थ हुआ इसलिए बढ़ते बढ़ते एक स्थान पर बुलाया गया। बोले ठीक है यहीं पर आज विचार होगा, एक तरफ में ब्राह्मण दूसरे तरफ में वैष्णव लोग, वहां पर बड़े विचार हुआ। अभी बोले दो व्यक्ति को वहां चुना जाए जो इसी विषय पर, ब्राह्मण का तरफ एक व्यक्ति और वैष्णव के तरफ में भी एक व्यक्ति, दोनों व्यक्ति को चुना जाए जो जिनको अंदर में इस शास्त्र विचार होगा। जो जो वैष्णव का तरफ में श्री प्रभुपाद है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जो डिबेट करेंगे, और जो ब्राह्मण को अंदर में एक ब्राह्मण को एक सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण। थोड़ी गर्म लगता है ना, थोड़ी खोल दो। इसलिए कहते इनको अंदर में ये चुना गया है, लेकिन अभी इनके शास्त्र इनके अंदर में शास्त्र हाँ इनके अंदर में शास्त्रार्थ हुई। जब इनके अंदर में शास्त्रार्थ हुई पहला दिन में श्रील प्रभुपाद ने ब्राह्मण की उन्होंने बड़ी महिमा बताई। हाँ बोले ब्राह्मण कहते भूसुर, भूसुर मतलब पृथ्वी के जो देवता, ये ब्राह्मण को मानी गई, ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता। बोले वर्णा नाम ब्राह्मण गुरु, कहते वर्ण में जो ब्राह्मण ये गुरु है। भगवान कृष्ण ने किया क्या, कहते सुदामा जी की चरण धोए। क्यों, सुदामा जी ब्राह्मण, सुदामा जी ब्राह्मण, ठाकुर जी ब्राह्मण की पूजा किए हैं, हैं इसलिए जो ब्राह्मण है कहते नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय श्री कृष्णाय, हैं श्री कृष्णाय गोविंदाय नमो नमो। कहते नमो ब्राह्मण देवाय, कृष्ण कौन है, कहते ये ब्राह्मणों का देवता, ब्राह्मण को जो पूजा करने वाले ब्राह्मण का देवता कृष्ण। पहला दिन प्रभुपाद इतने ब्राह्मण की महिमा बताए, कितने पुराणों से श्लोक को उठा उठा करके ब्राह्मण कैसे देवता, चार वर्ण में श्रेष्ठ, तीन वर्ण ब्राह्मण को पूजा करने, इतने ब्राह्मण का छाती तो मोटा हो गया है। ब्राह्मण जगत में सर्वश्रेष्ठ है, इनसे बड़ा जगत में और कोई है नहीं। पहला दिन ही वहां पर तीन दिन हुआ था है, लेकिन जो वैष्णव लोग थे वो तो दुखी हो गए, प्रभुपाद आ तो ब्राह्मण 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 की सारे महिमा बताए। लेकिन जब लास्ट दिन जब विचार हुई, लास्ट दिन में फिर प्रभुपाद ने बताया, बोले भैया फिर ब्राह्मण कहते हैं किसको, ब्राह्मण तो सर्वश्रेष्ठ है, लास्ट में बताए ब्राह्मण कहते हैं किसको। ब्राह्मण का डेफिनेशन किया है, है? जब उन्हें डेफिनेशन बताए बोले जन्मानाम जाए तो शूद्र, कद जन्म से ही वो शूद्र होते हैं, जन्म लेने पर सोचना तो शूद्र, हाँ जन्मानाम जाए तो शूद्र संस्कारात द्विज उच्चते, द्विज ब्राह्मण का एक नाम द्विज, मैंने दो बार जो जन्म लेता है। बोले कब, जब उनको जनेऊ संस्कार, जो पैदा होता है ना जनेऊ, जनेऊ संस्कार में होता है द्विज। बोले वेद पाठेत भवेत विप्र, बोले विप्र कब होता है, बोले जब वो वेद अध्ययन करता है। लेकिन ये ब्राह्मण कब होता है, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जब वो ब्रह्म वस्तु को पहचानता है, जब भगवान को जानता है तभी उसको ब्राह्मण कहते हैं, जो भगवान को जानता है। लेकिन अगर ब्राह्मण घर में जन्म ले लिया लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करता है, भजन नहीं करता है, फिर तो ब्राह्मण नहीं, वो शूद्र है। भले ही जन्म ग्रहण कर लिया लेकिन ब्राह्मण का धर्म जाजन नहीं करता है, ब्रह्म को नहीं जानते, वो ब्राह्मण नहीं। फिर उन्होंने बताए, कहते जो ब्रह्म तत्व को जानता है वो होता है ब्राह्मण, है ब्रह्म तत्व को। लेकिन बोले सत्र जाजी सहस्य एकांतिक विशेषते, बोले एक ब्राह्मण से एक वैष्णव श्रेष्ठ है। कहते हजार हजार ब्राह्मण है, हजार ब्राह्मण से
अगर एक वैष्णव श्रेष्ठ है, लेकिन एक ब्राह्मण होता है सत्र जाति। सत्र जाति मतलब है एक तरह का यज्ञ होता है, उस यज्ञ को केवल वही ब्राह्मण कर सकता है, सब नहीं कर सकते। लेकिन हजार सत्र जाति ब्राह्मण में एक वैष्णव श्रेष्ठ है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं, विप्रात द्विषण गुण अरजूत पदारविंद विमुखात स्वपचम वरिष्ठ। इसलिए ब्राह्मण का 12 गुण होता है। अगर किसी ब्राह्मण के अंदर में 12 गुण है, लेकिन वो भगवान की भजन नहीं करता है, एक गुण आना भी कठिन है, लेकिन कहते 12 गुण उसके अंदर में है, पर उसको थोड़ा और जोर से खोल दो। इसलिए कहते किसको अंदर में 12 गुण तो है, उस तरफ में भी थोड़ा खोल दो, बिहाइंड यू कैन ट्राई लिटिल बिट ओपनिंग डोर। इसलिए कहते किसको अंदर में 12 गुण है ब्राह्मण का, लेकिन एक गुण भी आना बड़ा कठिन है, 12 गुण में एक गुण आना कठिन है। किसके अंदर 12 गुण तो है, लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं करता है, कहते उससे श्रेष्ठ है जो एक चंडाल, जो कुत्ते का मांस खाने वाले एक चंडाल श्रेष्ठ है। अगर वो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता तो, भगवान की भक्ति कर रहा है, अगर ये ब्राह्मण से श्रेष्ठ है। बोले क्यों? बोले ये जो व्यक्ति है, कहते एक अगर वैष्णव भक्ति करने से उसको 21 पीढ़ी उधार हो जाता है, 21 पीढ़ी उधार हो जाता है, लेकिन ये जो वैष्णव खुद तो उधार होता है और 21 पीढ़ी को उधार कर लेता है, लेकिन वो जो ब्राह्मण है जो भगवान की भक्ति नहीं करता है, भगवान की भक्ति जो नहीं करता है, कहते वो व्यक्ति दूसरों को क्या उधार करेगा, खुद भी उधार नहीं हो पाता है, हैं? इसलिए प्रभुपाद ने बताया, देखो जैसे आप लोग हैं, जैसे आप लोग हो, जैसे तिलक लगाते हो, गले में कंठी है, ये माला जप करते हो, अब लोग कौन हो? बोले ब्राह्मण हो। कौन हो आप लोग? कौन हो बोलो? ब्राह्मण हो आप लोग, ब्राह्मण। ब्राह्मण नहीं, कहते हजार ब्राह्मणों से अब श्रेष्ठ हो, और साधारण ब्राह्मण नहीं, शास्त्र सत्र जाजी सहस्रेभ्य, 1000 जो श्रेष्ठ ब्राह्मण, सर्वश्रेष्ठ जो श्रेष्ठ ब्राह्मण में, कहते एक वैष्णव श्रेष्ठ है जो भगवान की भक्ति करता है, वो श्रेष्ठ है। इसलिए उन्होंने उदाहरण दिया, देखो ये भागवत में बताया है, बोले जस्य जस्य लक्षणम प्रोक्तम पुसांग वर्णाभिव्यंजकम जत अन्यत्र दिश्यते तो नैवम विन्दति, भागवत का श्लोक है। इसका मतलब है जैसे ये जो सेवा पूजा भक्ति पाठ करने वाले, किसको अंदर में ये भावना आएगी? केवल एक ब्राह्मणों के अंदर में ही ठाकुर का। देखो आप बताओ, ये हॉलैंड में कितना लोग है, यूरोप में कितना लोग, आप कितना लोग यहाँ बैठे हो, ये सब लोग क्यों नहीं आ गए, आप ही क्यों आ गए, इतना लोग में कोई आप लोग क्यों आए, सब क्यों नहीं आए? कहते नहीं, कहते अगर करोड़ों करोड़ों जन्म का कोई सुकृति होगा है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी, प्रभुपाद कहते हैं कौन, मतलब जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्म का जिसकी सुकृति उदय होगा, वही व्यक्ति ही भगवान की भक्ति और भक्तों का संग उनको प्राप्त होता है। इसलिए आप लोग यद्यपि आप लोग यहाँ जन्म हुए हो, लेकिन आप लोग सही ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। कारण क्या है? आपका अंदर में ये ब्राह्मण का गुण। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण घर में जन्म हो लिया, लेकिन बीड़ी फूंकता है, शराब पी रहा है, हैं, जुआ खेलता है, मांस खाता है, कहते वो ब्राह्मण नहीं, वो शूद्र, वो चंडाल है, वो व्यक्ति चंडाल है, वो ब्राह्मण नहीं। लेकिन तब उन्होंने उदाहरण दिया, बोले क्या उदाहरण दिया? कहते ये प्रेमानंद ठाकुर का एक कीर्तन है, बोले ए मन की करे बारण खोला, ए मन करे बारण खोला, आज ही को लेके ना जना मना है, केवल भक्ति मोला, ए मन की करे बारण खोला, कपि कोले धन्ना बिरहनो मान, राम भकत राग, राक्षस हैया प्रह्लाद हैला, श्री कृष्ण प्रेमे रा बासा, हे मान
की करे वाराणा कोला। देखो ये भजन में कह रहे हैं, देखो ये भजन को समझो, कहते मान तुमने ये कुल को कैसे स्वीकार कर लिया, तो वो एक उदाहरण देते हैं। बताओ हनुमान जी कौन कुल जन्म हुए, कौन बोलेगा हाथ उठाओ, हनुमान जी कौन से जाति में जन्म हुए हैं, बोलो बोलो कौन सा, मंकी, मंकी है ना, बंदर है। हनुमान खुद कहते हैं, हनुमान खुद कहते हैं, अगर सवेरे कोई उठ करके मेरे मुंह देख ले ना, सवेरे उठ कर कोई मंकी का मुंह देख ले, हनुमान कहते उसको दिन भर भोजन नहीं मिलेगा, वो दिन भर भूखा रहेगा वो व्यक्ति, अगर उठ करे कोई मेरे। लेकिन मैं प्रभु राम की भक्ति करने का नाते देखो सवेरे उठते ही हनुमान जी को प्रणाम करते, जो हनुमान पूजा करते हैं, हनुमान जी का चालीसा पढ़ते हैं, हनुमान जी को पूजा करते हैं, हनुमान का नाम लेते हैं। बोले क्यों, बोले प्रभु का भक्ति करता हूँ। बोले फिर प्रहलाद महाराज राक्षस कुल में जन्म हुए, लेकिन उन्होंने क्या किया, खंबे से ठाकुर को प्रकट कर दिया। हिरण्यकश्यप पूछा तेरे भगवान कहाँ हैं, बोले ये बताओ मेरे भगवान कहाँ नहीं, खंबे खंबे में क्या है, बोले हे मारे मुष्टि का घात तो खंबा फट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले श्री नरसिंह भगवान की, जोर से बोलो, बोले नरसिंह भगवान की। इसलिए तीसरा उदाहरण देते हैं, कहते विभीषण रावण का छोटा भाई ना, राक्षस घर कुल में, लेकिन भगवान राम जब दरबार लगता है ना, जिस बराबर सिंहासन में भगवान राम, जिस सिंहासन में बैठ, जितने ऊंचे सिंहासन में, दूसरे इस सिंहासन में विभीषण बैठता है। सुग्रीव वो भी मंकी है, लेकिन जब राम दरबार में भगवान उसको बराबर आसन देते हैं, ठाकुर जी उनका आलिंगन करते हैं, भगवान उनको सखा मान करके आलिंगन करते हैं। सबरी भगवान झूठा बेर खाई सबरी की, इसलिए कहते ना सबसे ऊंचे प्रेम सगाई, प्रेम सगाई झूठ बेर सबरी के खाए, झूठ बेर सबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताई सबसे ओची प्रेम सगाई, सबसे ओची प्रेम सगाई। ले तो प्रभुपाद ने जब उन्हें वैष्णव का महिमा बताया ना, जिस कुल में क्यों जन्म नहीं, वो वैष्णव सर्वश्रेष्ठ है, उनसे बड़ा पोस्ट जगत में कोई नहीं। जब उन्होंने वैष्णव का इतने एक ग्रंथ पूरा निकला, उसके ऊपर में जो डिस्कशन हुई, ऐसे प्रभुपाद विचार दिया ना, हजार हजार लोग वहां पर आए थे, सारा दुनिया में वैष्णव धर्म का उन्होंने झंडा को प्रभुपाद ने गाड़ दिया, हाँ वैष्णव सर्वश्रेष्ठ। फिर सारा दुनिया प्रभुपाद की जय जयकार किए, बोले श्री प्रभुपाद की। फिर प्रभुपाद की एक बहुत बड़ा पात्र लाए, पात्र ला करके प्रभुपाद का चरण धोए, हाँ प्रभुपाद उसमें प्रभुपाद कम उम्र के थे, उनका चरण धोए, जब चरण धोना इतना बड़ा बड़ा पात्र में ला करके, कहते एक मिनट में प्रभुपाद का जो चरणामृत था कहीं खत्म हो गया, सब लोग आकर के उन्होंने चरणामृत पी रहे थे, प्रभुपाद की उन्होंने चरणामृत को पी रहे थे। इसलिए प्रभुपाद ने जो दैव भरणाश्रम को स्थापना किया है, मतलब ऐसे नहीं ब्राह्मण घर में जो जन्म होगा केवल पूजा कर सकता, नहीं, अब देखो सबके घर में ठाकुर है कि नहीं, ठाकुर है कि नहीं, सबके घर में ठाकुर है ना, पहले सबके घर में ठाकुर नहीं हो पाता था, लेकिन प्रभुपाद ने स्थापना किया, हम लोगों का जो पुरुष लोगों को जनेऊ दिया है, हाँ हम लोग ब्राह्मण घर में नहीं होने पर भी उन्होंने संस्कार करते हुए जनेऊ प्रदान किए, और माताओं को गले में कंठी तिलक, पहले कंठी कोई नहीं पहनते थे, केवल जो ब्राह्मण घर में होगा तिलक कंठी वही पहनते थे और कोई नहीं, लेकिन सबको जो अधिकार प्रदान किया, सब कंठी माला तिलक ठाकुर को पूजा सेवा कर सकते हैं, ये प्रभुपाद ने ही ये काम को, इतना बड़ा काम को किया प्रभुपाद ने। और इसलिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, घर घर में ठाकुर को घर घर में रख करके घर घर में ठाकुर को पूजा सेवा कर रहे हैं, इसलिए हम सब के सब प्रभुपाद के चरण में हम ऋणी हैं। और एक कथा सुन लो, टाइम हो गया ना, देखो एक समय प्रभुपाद ने अपना ऐश्वर्य दिखाया, प्रभाव दिखाया, कोई कोई सोचते थे ऐश्वर्य तो केवल जो नारायण का भक्त होते हैं ना, वो आपुलन से नारायण का भक्ति, ऐश्वर्य मार्ग में केवल ऐश्वर्य नारायण भक्ति, कृष्ण भक्त तो बड़े दीन ही नहीं, इनका ऐश्वर्य नहीं। देखो एक समय क्या हुआ,
जैसे जैसे श्याम सुंदर प्रभु का घर में कथा हो रही। पहले एक समय बंगाल में ऐसे किसी भक्त ने प्रभुपाद को निमंत्रण दिया। पहले रसोई कैसे बनता था, सूरीनाम में कैसे रसोई बनता था, लकड़ी से ना, पहले लकड़ी से रसोई। जब ज़्यादा लोग आए, 8, 10, 15, 20 आए तो उसमें, लेकिन जब ज़्यादा लोग, हजार हजार लोग आए, कैसे होगा, लकड़ी से, वो लकड़ी से रसोई बनती थी। बनाया कभी लकड़ी में, कौन कौन बनाया लकड़ी में रसोई? हाँ, इसलिए पहले लकड़ी से रसोई बनती थी। और जैसे यहाँ प्रभुपाद कथा कर रहे, लोग बैठ कर कथा सुन रहे हैं, जैसे उसका एक छोटा बच्चा है ना, क्या नाम तुम्हारी, श्याम सुंदरी, जैसे ऐसे कोई छोटा बच्चा था, वहाँ प्रभुपाद क्लास दे रहे थे, सब लोग बैठे हुए थे। और पहले लकड़ी में रोसे, पीछे लकड़ी में रोसे बना था, अभी रोसे बंद हो गया लकड़ी में, और चूल्हा बड़ा, हजार हजार लोग खाएंगे, चूल्हा बड़ा है, और अभी अभी उसमें आग जल रहा है, उसमें आग जल रहा है। लेकिन प्रभुपाद जब कथा कर रहे थे, एक छोटा बच्चा है ना, ऐसे घुटने पर चलते चलते चूल्हे में गिर पड़ा, और लकड़ी का आग, हाँ, लकड़ी का आग, बच्चा चूल्हे में गिर पड़ा। लेकिन सब लोग कथा सुन रहे हैं, प्रभुपाद की कथा सुन रहे हैं, जब कथा सुन रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद जब कथा करते ना, प्रिंट ऑफ साइलेंट, थोड़ी सी इधर उधर कोई बात नहीं करते थे। प्रभुपाद कथा बड़ा गंभीर, जो बड़ा गंभीर, जो पूर्ण बड़े बलवती कथा थी। लेकिन वो बच्चा तो चूल्हे में गिर पड़ा, जब चूल्हे में गिर पड़ा, इतने में किया, वहाँ चूल्हा था इस तरफ में, जैसे मैं जैसे बैठा हुआ हूँ ना, इस तरफ में था चूल्हा है, और इस तरफ में लोग बैठे हुए हैं, और वो चूल्हा था पीछे, सब लोग देखा बच्चा जाते 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 थे गिर पड़ा। अगर कोई बच्चा गिर पड़ेगा, आपको कथा में मन लगेगा, आपको कथा में मन लगेगा, कथा में मन लगेगा आपको, आप देखोगे आग में एक बच्चा गिर पड़ा, आपका मन में खिलबिली उठ जाएगा, बच्चा आग में गिर पड़ा, आग में गिर पड़ा। लेकिन प्रभुपाद ने देखा ये सब लोग चंचल हो रहे हैं, ये चैन से नहीं, बेचैन, बच्चा गिर पड़ा ना, सबका मन बेचैनी से हो गया, बच्चा गिर पड़ा, लेकिन डर से कोई नहीं जा रहे उठाने के लिए, क्यों, प्रभुपाद कथा कर रहे हैं। इतने में प्रभुपाद ने कहा, लगता है तुम लोग कोई कुछ इधर उधर हो गया ना क्या, तुम लोग बेचैनी से क्यों हो, हैं, तुम लोग मन चंचल क्यों है। किसी ने कहा, प्रभुपाद आपके पीछे जो बच्चा है ना, जिस घर, जिसका घर है वो रोसी बना था, वो आग जल रही थी, वो बच्चा उसमें गिर पड़ा है। बोले बच्चा गिर पड़ा, बोले हाँ। तो प्रभुपाद ने बोले चलो हम देखते हैं, देखो प्रभुपाद की कथा कितने बलवती कथा है। लेकिन जो बच्चा गिर पड़ा, जो अग्नि था ना, प्रभुपाद की कथा में इतने शक्ति थी, वो अग्नि एक देवता है, अग्नि देवता है, अग्नि अपना तेज को शांत कर दिया। जब गैना देखा चूल्हे के अंदर में, वो बच्चा किलकारी मारते हुए खेल रहा था, वो बच्चा खेल रहा था, अग्नि कुछ किया नहीं, क्यों, प्रभुपाद कथा कर रहे थे, प्रभुपाद हैं, इसलिए प्रभुपाद कथा कर रहे थे, अग्नि अपने आप को शांत कर दिया। प्रभुपाद गए और अग्नि से बच्चे को उन्होंने उठा करके ले आए, तो कुछ नहीं हुआ। इसलिए प्रभुपाद कभी कभी उन्होंने ऐश्वर्य दिखाया है, कहते केवल नारायण भक्त में ऐश्वर्य होता है ये मत समझो, कृष्ण भक्त में भी ऐश्वर्य होता है, लेकिन वो ऐश्वर्य को छुपा कर रखते हैं, ऐश्वर्य को प्रकाश नहीं करते हैं। बोले और एक समय क्या हुआ, एक समय कोई एक बहुत बड़ा पोस्ट में कोई एक मंत्री था, लेकिन पहले लोग स्वाभाविक रूप में सबके अंदर भक्ति, जैसे सूरीनाम से आए हो तुम लोग, स्वाभाविक रूप में सभी का हृदय में, भारतीय सभी का हृदय में भगवान के प्रति प्रेम भक्ति होता था। इसलिए एक व्यक्ति बड़ा कोई मंत्री था, कभी गया मायापुर में प्रभुपाद की, उन्होंने मायापुर में उन्होंने प्रभुपाद की उन्होंने कथा बैठ कर कथा सुनी, और प्रभुपाद बड़े महान पुरुष थे, कथा सुने वो व्यक्ति, कथा सुनकर जब वापस आया ना, उसने स्वप्न देखा, उसका गुरु और ये गुरु माता, उन्होंने भी कोई गुरु बनाया था, लेकिन जो गुरु बनाया था वो पति पत्नी थे, उस समय सहजिया कोई गुरु था, कोई कुलो गुरु था, लेकिन वो दो पति पत्नी थे। उन्होंने स्वप्न देखा, जब वो उन्होंने जब सो गया, प्रभुपाद की हरि कथा सुनकर चिंतन करते करते देखा, उसका गुरु और गुरु माता दो, एक शेर और शेरनी, शेर मतलब लायन, कहते सी लायन ही लायन, कहते बन करके उसको आक्रमण किया, गुरु माता दो नहीं, आक्रमण किया, चित्कार कर रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। इतने में प्रभुपाद बीच में आ गए, और प्रभुपाद आकर के ना वो लायन को मार करके भगा दिया और उनको बचा दिया, और उसका नींद खुल गया, वो डर रहा था मैंने क्या स्वप्न देखा, क्या स्वप्न देखा,
डर रहा था, फिर उन्होंने प्रभुपाद के पास में आया, बोले प्रभुपाद जी मैं ऐसे ऐसे मैंने रात को अद्भुत स्वप्न देखा, आपकी हरि कथा सुनते सुनते मैंने गया सो गया था, लेकिन रात में अद्भुत स्वप्न देखा, आप बताओ ये क्या है। तो प्रभुपाद कहते हैं तुमने सब कुछ देख लिया, मैं बताने का जरूरत नहीं। बोले जिसको उन्होंने गुरु और गुरु माता, वो पति पत्नी थे हैं, बाबा जी माता जी जैसे, लेकिन वो केवल भक्ति भक्ति से कोई मतलब नहीं था। हाँ गुरु करनी चाहिए, शिष्य करनी चाहिए, लेकिन शिष्य तो बनाया उनको, लेकिन वास्तव रूप में गुरु का जो लक्षण उनके अंदर में नहीं था, गुरु बनने का लक्षण उनमें नहीं था। क्यों? वो अपना बीवी बच्चों को लेकर संसार दुनियादारी कर रहे थे। गुरु तो होता है भारी, जो माया से जो ऊपर हो वो गुरु बन सकता है। साधारण रूप में जो घर गृहस्थ में स्वयं डूबा हुआ, भक्ति की करनी चाहिए शिष्य, साल में एक बार कुछ ना कुछ देंगे हमें माल पानी, इसी भाव से किया था, लेकिन गुरु का गुरु तो नहीं था, गुरु का लक्षण नहीं था। इसलिए प्रभुपाद बीच में आए और सर सरणी बनकर गुरु खाने जा रहे थे, शिक्षा दिया है तुम जिनको गुरु रूप में वर्ण किए हो वो गुरु बनने का लायक है ही नहीं, वो सर सरणी बनकर के तुमको खाने जा रहे, मतलब तुम्हारी जो परमार्थ जीवन को नष्ट कर रहे हैं। इसलिए परमार्थ जीवन नष्ट कर रहे हैं, लेकिन बचाया किसने? प्रभुपाद ने। इसका मतलब है तू प्रभुपाद की शरण में आश्रय लो। फिर उन्होंने उनको परित्याग करके उन्होंने क्या किया? प्रभुपाद का चरण में आश्रय ग्रहण किया। इसलिए प्रभुपाद की बहुत सारी कथा में फिर कथा सुनाऊंगा, कल भी है ना जी। हाँ कल भी केवल प्रभुपाद की बहुत अच्छी अच्छी कथा प्रभुपाद की कल भी सुनेंगे प्रभुपाद जी कथा, ठीक है। बोले श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की, सपरिकर प्रभुपाद की, सपरिकर नित्यानंद प्रभु की, महाप्रभु की, श्याम सुंदर प्रभु की, मधुरति प्रभु की, बेटे का नाम वृंदावन दास ठाकुर की, निताई गौर गौर प्रेमानंद, ओके ठाकुर चलो गुरुदेव की। हाँ चलो चलो कीर्तन कर लेते हैं, ठीक है खड़े हो जाओ फिर स्टैंड अप।